नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, आज दीपावली को लेकर के दरभंगा की बाजारों में किस तरह भीड़ है। ये लहरिया सराय का जो मुख्य चौक है वहाँ है। देखिए, पूरी तरह जो मुख्य बिक्री होती है वो कई सामानों की। सबसे पहले हम बता दें, एक एक कर आपको दिखाते हैं। देखिए, फल की भी यहाँ पर है इस बार। देखिए, एक बार दिखा दें आपको फल, पूजा के सामान एवं क्या क्या चीज़ का है आपका यहाँ पर। दीपावली के दिन तो सारे फल और फूल का, मिठाई का, माला का, इसी सब का बाजार में भीड़ है। अच्छा, इस बार रेट पिछले बार की तुलना में क्या है, कैसे कैसे बस नारियल कैसे चल रहा है? नारियल 30 रुपया पर पीस बिक रहा है। अच्छा, पूरा पानी वाला? पानी वाला। और सेब? सेब 100 में 1.25 किलो 1.5 किलो बिकता है। अनार? अनार बिक रहा है 200 रुपये किलो। अमरूद 80 रुपये किलो। रेट सामान्य है, रेट में फल में किसी भी तरह का कोई उछाल नहीं है। उछाल नहीं? जी नहीं। तो आज काफ़ी लोग आ रहे हैं लेने के लिए बाजार में, तो काफ़ी लोग भीड़ भी लगा हुआ है। क्या नाम आप? भरत कुमार। तो देखिए, आपको हम दिखाते हैं एक एक सामान है। और अब आपको हम ये फल की दुकान, इसके बाद देखिए एक बार भीड़ भी दिखाई पूरा बीच चौक पर। देखिए, हम बीच चौक पर हैं। जो क्या लग रहा है इस बार, कैसा मौसम है लेकर के बाजारों में भीड़ है? बाजार में बहुत अच्छा भीड़ देखने को मिल रहा है। और अभी दिवाली की भीड़ दिख रही है, अब 2 दिन बाद छठ का भी भीड़ दिखेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है मार्केट के। बाजार भी इतना कंजेस्टेड है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, उस पर कोई? जी बिल्कुल, अभी जैसे मैं बाइक से आता लेकिन मुझे पैदल आना पड़ रहा है और ये भारी झोड़ा भी उठा के मैं जा रहा हूँ, तो ये तो मुश्किल है ही। सड़कें बहुत संकीर्ण है, गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन सड़क का हाल वही का वही है। कुछ बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए, धन्यवाद आपको, हम दिखाएंगे। देखिए, ये आपको हम आपको लिए चलते हैं। देखिए एक बार, ये पूजा सामग्री की दुकानें हैं और पूजा सामग्री की दुकान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहती है। देखिए एक एक चीज़ आज जो मुख्य भीड़ होती है मुख्य सामानों की, जिसमें पूजा का सामान एक एक दिखाएंगे आपको। पूजा के सामानों में खासकर जो चुनरी है और जो सजावट के सामान है वो, उसको हम लेकर के आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ भी काफ़ी भीड़ है और कुछ निश्चित तौर पर इस भीड़ को हम दिखाना चाहेंगे सामान के साथ। देखिए यहाँ पर जो है, ये जो दुकान है, किस किस अभी क्या स्थिति है? आज तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है दीपावली। हाँ सर, भीड़ तो है बहुत ज़्यादा ही, और आदमी जो है इतने परेशान है सामान लेने के लिए, इतने परेशान है कि, लेकिन उसी में सब आदमी अपना कंप्रोमाइज़ करके सामान सब वगैरह ले रहे हैं। काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है अभी। देखिए पूरा लोग आ रहे हैं सर। गुदरी तो कंजेस्टेड का है ही, पूरा पूजा का सामग्री A to Z गुदरी में ही मिल जाती है, इसीलिए आदमी का आगमन यहाँ ज़्यादा होती है। कहते हैं यहाँ से अब कस्टमर नहीं मिलता है, सब बाहर। नहीं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए सर, गुदरी है, दुकान चारों तरफ खुल जाए उसका नहीं है। रेंज जो गुदरी में मिलती है वो रेंज कहीं नहीं मिलेगी। पांस का पत्ता से लेके केला का पत्ता तक गुदरी में मिलती है। आज के डेट में केला का पत्ता भी बिकता है, पान का पत्ता भी बिकता है, बाकी A to Z मतलब कि जो आम का पल्लो भी बिकता है। जो आदमी की सुविधा नहीं मिलती है वो मिलती है यहाँ गुदरी में, इसीलिए गुदरी में सब कुछ मिलती है और आदमी कोशिश करते हैं गुदरी में ही मार्केटिंग करने का। आपके यहाँ क्या क्या चीज़ है जिसका? पूजा का A to Z सामान है, चुनरी है, माला है, और इतना स्टॉक था कि स्टॉक हम लोग आउट ऑफ नील हो गया। तो हम कैसे समझेंगे गुदरी से बाहर अच्छी दुकानदारी है? गुदरी का मतलब गुदरी में सब आदमी आना पसंद करते हैं। जहाँ भीड़ रहती है वहीं मार्केटिंग ज़्यादा होती है। तो चलिए देखिए किस तरह मार्केटिंग हो रही है। आप पूजा की दुकानों से लेकर के हम आपको दिखाएंगे कि दरभंगा में लोग कहते हैं जो सामान, जो क्या लगता है किस चीज़ की मार्केटिंग के लिए आप आए हैं? बस पूजा के सामान लेने आए हैं। अच्छा, बाजार में इतनी भीड़ है, कंजेस्टेड है, क्या लगता है? गुदरी आपका वही है पुराना रहना चाहिए? जो पुराना गुदरी है वही है कि नया कुछ होना चाहिए यहाँ पर? हाँ जी, पुराना गुदरी जो है वही कि नया कुछ होना चाहिए? नया कुछ लुक आना चाहिए। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए कि लगातार दरभंगा के जो मुख्य चौक है यहाँ पर, आपको हम बता दें कि कुछ बदलाव नहीं है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों का कहना है जो आज से 10 साल पहले था वही यहाँ का हालात आज भी है। लोग परेशान भी हैं, खरीदारों की संख्या भी बढ़ी है। लेकिन गुदरी में देखिए, अगर आपको दिखाएं बीच पर, इसे देख करके आपको लगता नहीं होगा कि गुदरी में भीड़ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर भीड़ नहीं होती है, यहाँ से कस्टमर चले जाएंगे। बहुत भीड़ है, ऐसे 10 साल पहले जो छलिए वह गुदरी छै कि बदल रहा छै, एकरा सुधार की नहीं? सुधार तो किछु नहि भेल छै बुझलियै, लेकिन बदल रहा छै। गाड़ी घोड़ा अंदर नहीं एतै,
तो गुदरी अखनो ठीक है बुझलिए, गाड़ी घोड़ा लोग घुसा दे जैसे लोग के बहुत दिक्कत भर रहा है गुदरी में आवे में, ठीक है। मार्केटिंग दीपावली में छठ तय है कि गाड़ी घोड़ा के बाहर लगा दिल जाए ना तो लोग के चोटो नहीं लगते, बच्चों सब ठीक से चलते और सबकी बढ़िया से हेतु। तो चलिए दिखाएं आपको लगातार, देखिए भीड़ जो है वो गुदरी में है, जो भीड़ है उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। देखिए अब आपको दिखाते हैं पटाखे की दुकान पर, जो पटाखे की दुकान पर जो भीड़ है वो भी देखिए, यहाँ पर पूरी तरह सजी हुई है दुकानें, और जो दुकान है उसमें हम आपको बता दें अलग अलग तरह के सामान भी यहाँ पर हैं, और यहाँ पटाखे की दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है नज़र आएगी आपको, और जो खरीदार भी है वो भी आ रहे हैं आपको दिखाइए किस तरह यहाँ है। तो गुदरी में कहा जाता है कि भीड़ नहीं होती, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे, देखिए गुदरी में कितनी भीड़ है दिखाइए, पूरे दुकान में जो पटाखे की दुकान है वहाँ भीड़ भी है काफ़ी, सामान की बिक्री के लिए भी लोग आ रहे हैं और विक्रेता भी यहीं पर है, और इसे देख करके लगेगा कि किस तरह पटाखे हैं, किस सामानों की बिक्री हो रही है। एक मिनट क्या लगता है इस बार बिक्री क्या स्थिति है, लोग कह रहे हैं कि गुदरी में आदमी ही नजर आता तो आदमी ठीक है, बढ़िया बिक्री होता ठीक है। कौन कौन सा पटाखे इस बार है? टोटल मुर्गा छाप, मुर्गा छाप टोटल। पटाखों को लेकर के बहुत कंफ्यूजन भी है लोगों में, प्रशासन में भी पटाखे नहीं फोड़ना है इस बार भी बोल रहा नहीं, ग्रीन पटाखा मुर्गा छाप छोड़ना चाहिए, अच्छा वो अच्छा रहता है, उसका प्रदूषण में नहीं होता। हाँ ग्रीन पटाखा और फेक भी नहीं होता नहीं। तो पूरा पटाखा की देखा, एक बार दिखा दिए पूरा दुकान किस तरह पटाखे की दुकान सजी हुई है, और बता दें नेताजी के यहाँ दुकान है वो, और लगातार कई बार नेताजी किधर नजर आएंगे, नेताजी कहाँ हैं? चलिए हम आपको और दिखाएंगे कि एक बार आपको एक ही साथ दिखाए, एक मिनट जरा आपको देखिए जो सजावट की दुकान है उसका भी हम दिखाएंगे कि पूरा गुदरी बाजार में आज जो भीड़ है उसे देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में लोग कितने दरभंगा में आते हैं, और ख़ासकर भीड़ को देख करके बता दें, जो फिर भी बहुत लोग कहते हैं कि भीड़ नहीं होती, लेकिन यहाँ देखिए ये सजावट की दुकानें हैं यहाँ पर, और नेताजी भी हैं, जो नेताजी सब कहता है कि गुदरी में अब कस्टमर ही नहीं है, यहाँ से सब भाग गए अलग अलग जगह। आज तो देखिए पूरा कस्टमर तो है, कस्टमर लोग आ रहे हैं ले रहे हैं, लेकिन दीपावली का समय है, भीड़ थोड़ा ज़्यादा रहती है, इसी में सब सामान लेकर जाते हैं, कहीं किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा नेताजी ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि जो 10 साल पहले गुदरी था वही है, कुछ बदलाव नहीं आया है, कुछ नहीं है सामने में, तो क्या लगता है कि ना पर्व त्यौहार में भीड़ रहेगा ही, ऐसे कुदीना जो है सो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड पर कुछ लोग अतिक्रमण कर देते हैं दीपावली छठ के बाद, जो उससे वंचित किया जाए निश्चित तौर पर, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग आने जाने में गाड़ी भी नहीं आ सकते। देखिए यहाँ पर नेताजी की दुकान है, वहाँ पर देखिए सभी तरह से सजे पटाखे और जो सजावट की सामान है इसको खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, और इसी को लेकर के हम बता दें कि काफ़ी लोग परेशान भी हैं, और खासकर हम बता दें कि अच्छा एक क्या गुदरी का क्या हालात बना के रखा है लोगों को आने जाने की? देखिए गुदरी का खासकर जो पर्व त्यौहार रहता है इसमें तो थोड़ा सा भीड़ रहता ही है, तो अब है क्या जो थोड़ा सा ज्योग्राफिकली तो छोटा एरिया है, लेकिन क्या है कि पर्व त्यौहार है इसका भी एक अलग आनंद है, बस ये है कि थोड़ा सेफ्टी से आप लोग जाइए, थोड़ा सा अपना खुद का ध्यान रखिए, अपने सामान का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी पर्व त्यौहार है तो भीड़ तो एक्सपेक्टेड है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ के हिसाब से यहाँ पर एक भी पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई है, ये बात सबसे बड़ी बात है कि गुदरी जैसे जगह पर जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आज अचानक उमड़ पड़े हैं, और ये देख सकते हैं कि इसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए बीच चौक पर हम हैं, आज बीच चौक पर हम हैं, और किस तरह लोग एक बार दिखाई पूरा गुदरी बाज़ार को दिखाई दोनों चारों तरफ देखिए कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, और लोग कहते हैं कि गुदरी में अब कस्टमर नहीं आ। क्या स्थिति है बाबा, क्या साल से आप आते हैं गुदरी से? क्या साल से गुदरी आते हैं? हम तो क्या लगभग 20-25 साल से। क्या कुछ बदला आपको लग रहा है? बदला नहीं, कुछ बदला नहीं, बदला है कहाँ, बदला भीड़ तो एकदम भरा हुआ है। और ये जन्म इतना पूरा लोग परेशान, जी 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 क्या बता सकते हैं। तो देखिए आपको लहरिया सराय गुदरी का ये हाल है, यहाँ लोग आते हैं तो एक बार पछताते भी हैं कि क्यों आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के दुकानदार कहते हैं कि भीड़ नहीं होती है, और इस वजह से लहरिया सराय के गुदरी बाज़ार में दीपावली के अवसर पर जो भीड़ है वो हमने आपको दिखाया। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर आम जनता के लिए कम से कम आने जाने की सुविधा हो, गाड़ियों के लगाने की सुविधा हो, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पूरे दरभंगा के लोग लहरिया सराय गुदरी बाज़ार आते हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।
क्या लगता है कि इस बार क्या हाल है दीपावली में? पूरे सड़कें जाम है, गुदरी जाम है, लोग कहते हैं यहाँ कस्टमर ही नहीं है, फिर भी देखिए आज हज़ारों की संख्या में लोग हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, रोड पूरा जाम है, जहाँ तहाँ मोटरसाइकिल का जाम लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, ग्राहक कैसे आवेगा उसका कुछ नहीं है, जो दुकानदार है वो झक मार रहे हैं, जो रोड पर बैठ करके बेचते हैं वो राजा बन गए। तो यहाँ पर कस्टमर तो आते हैं ना, लोग कहते हैं गांव घर में खुल गया दुकान, उसका असर पड़ रहा है? एकदम असर पड़ रहा है, अरे वो तो बात की बात है, ग्राहक को तो आने जाने का रास्ता चाहिए, रास्ता है ही नहीं, सब पूरा अतिक्रमण है। अतिक्रमण है, अब अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम आते हैं, मकान दुकान तोड़ते हैं, पैसा लेके निकल जाते हैं। साग सब्जी वाले को क्या है, जहाँ पाया वही दादागिरी करता है लोग, क्या कहा जाए, नगर निगम की तरफ से व्यवस्था ख़त्म है। तो देखिए बताते हैं और जो एक सामान और भी है जिसका हम बता दें कि ये देखिए यहाँ पूरी तरह सजावट, बिजली और सजावट की दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है। और देखिए कौन कौन सी सजावट की सामान और ये बिक्री क्या हाल है इस बार? इस बार लगातार ठीक ही चल रहा है, बस अभी भीड़ भाड़ के कारण, जाम के कारण थोड़ा गाड़ी वाड़ी का थोड़ा व्यवस्था दे सरकार, जो भी है अंदर नगर निगम जो थोड़ा सा अंदर जो बना रहा है उसको थोड़ा पार्किंग का अंदर में थोड़ा कुछ जगह दे दे, जो बाहर में गाड़ी जो लगती है, ठीक है, इसके कारण कस्टमर सबको बहुत दिक्कत होती है, अब कोई पीछे से बोल देता है आगे जाने के लिए, अब मेरा ही कस्टमर रहेगा वो आगे जा करके फिर पूरा आगे ही चल जाता, किसी का सामान ही नहीं लेता। अच्छा ये सब कैसे चले, ये सब चाइनीज है क्या? ये सब चाइनीज है। कितना इस सबका रेट आप लोगों ने रखा है इसका? ये सबका 200-250 रुपया रखा है हम, ये 50 मीटर का लाइट है। तो ये अभी अभी कौन सा लाइट ज़्यादा बिक रहा है? अभी आप चाइनीज लाइट ही ज़्यादा बिक रहा है, इंडियन लाइट कम बिक रहा है, इंडियन लाइट में एक ही दो मतलब मैन्युफैक्चर जो है एक ही दो किए हुआ है, ठीक है, और मैन्युफैक्चर में वो लंबा लाइट इंडियन लाइट जो आता है ना वो एक ही दो प्रकार का आता है, उसके ज़्यादा नहीं आता। चाइनीज लाइट कैसा चला, फूल का क्या चला अभी? फूल का भी अच्छा अच्छा मार्केट पकड़ा हुआ है, ठीक है, 25 रुपये पीस बिक रहा है, कोई कोई आदमी 20 रुपये पीस भी देता है, हर चीज़ मतलब हर चीज़ जो भी चीज़ है लाइट का ये इस चीज़ का मार्केटिंग बहुत अच्छा चल रहा है। आर्टिफिशियल फूल जो आर्टिफिशियल है उसका मार्केट ज़्यादा हो गया अभी? हाँ हाँ बहुत ज़्यादा। तो उसमें बिक्री है, किसमें बिक्री है अभी? तो ये देखिए ये एक ही दिन का है, ठीक है, और ये लगातार 5-6 दिन से लगातार बिक रहा है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल फूल जो है हर में ज़्यादा है। हाँ उसकी मांग ज़्यादा है, वो आप शादी में भी लेके जा सकते हैं, पर्व में भी लेके जा सकते हैं, छठ पूजा छठ घाट में भी सजा सकते हैं, इस सब का मांग ज़्यादा है। ये सब फूल गंदा जल्दी नहीं होता, गंदा होता तो साफ भी हो जाता है, लेकिन ये सब फूल गंदा हो जाता है, हाँ 2 दिन के बाद मुरझा भी जाता है, बिकता नहीं है। तो चलिए हम देखें पूरा लहरियासराय के गुदरी बाज़ार का हम तमाम जो सही बात है वो हम दिखा रहे, देखिए रास्ते जो जाम हो जाती है इस वजह से लोगों का गुदरी बाज़ार में आना दुभर है, इसलिए लोग साइड में जा कर के सामान खरीदने लगते हैं। फिर भी आज लहरियासराय के गुदरी बाज़ार में काफ़ी संख्या में आज जो लोग हैं वो उमड़ पड़े हैं। दीपावली और छठ में हमेशा से यहाँ भीड़ रहती है और इस बार भी भीड़ रहेगी, प्रशासन को चाहिए कि आम जनता के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करे। धन्यवाद।